हमारी गाड़ी में ये DRLs लग चुके हैं। 31 जुलाई को बुक की और 10 जनवरी को गाड़ी आ गई। आपको गाड़ी पहले मिल गई? मैं शॉक था, मतलब आप लगा लीजिए सितंबर। हम तो ढूंढ रहे थे आप जैसे भाइयों को कि भाई ये गाड़ी 10 जनवरी को मिली और मिलनी थी सितंबर 23 में। ये भैया चामुंडा जी ने इस गाड़ी में भी कर दिया है तहलका। आप देखते हैं इस गाड़ी की क्वालिटी का। आओ भाई दिखाओ 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 दिखाओ। अरे भाई अपनी ये गाड़ी और आ गई है, आपके UK से आई है भाई। डायरेक्ट UK से गाड़ी आई है। अब इसमें क्या भैया LED तो लगवा दिए भाई जी ने, लेकिन ये फॉग लैम्प नहीं लगती, लगने के लगे हैं। तो आज ये गाड़ी आई है भाई फॉग लैम्प लगने के लिए। और इस गाड़ी में भैया भाई साहब बता रहे हैं मुझे ये वैसे ही हैं। इस गाड़ी में बैक कैमरा भी लगा भैया, ये दिखाता हूँ। ये देखिए, हम कहते हैं हमारी गाड़ी में पहले है, नहीं इस गाड़ी में ऑलरेडी कैमरा लगा हुआ है। अभी पूछेंगे भाई से कि ये कैमरा भाई कैसे लगो। तेरी नहीं, स्क्रैच नहीं है भाई, बच गए। वाह वाह बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ग्रीन है, सीट वही है, और ये हमारा ऑटोमेटिक वेरिएंट है। अभी यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हो रखा है, पहली बार ये गाड़ी आई है जे ऑटो पे। देखो नहीं नहीं काफ़ी, ये इन्होंने लेदर रैप करा लिया है भाई जी ने, पर कैमरा लगा हुआ है, पर ये कैमरा भाई वर्किंग नहीं है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका कुलदीप कौशिक। भैया मेरी गाड़ी आपने बहुत देख ली है, बहुत मोटिवेशन देख ली है। आज मैं लाने वाला हूँ भाई एक दूसरी गाड़ी, जो भाई गाड़ी अपनी UK की है, और इसे ऑन करते हैं। अभी बताइए कौन ऑन करते हैं, और ये शायद गाड़ी मॉडिफिकेशन के लिए आई हुई है। तो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं इस गाड़ी के ऑनर को और पूछते हैं कुछ खट्टे मीठे सवाल। तो वेलकम करते हैं, आइए सर, कौशिक व्लॉग पे आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम राजेश उपाध्याय, मैं देहरादून में रहता हूँ, और ये मेरी महिंद्रा की थर्ड व्हीकल है। यूट्यूब के कारण ही मैं यहाँ आया हूँ। जी जी, जे ऑटो पे आए हैं भाई। तो सर कब खरीदी गाड़ी आपने? ये मैंने 10 जनवरी 10 जनवरी को मिल गई। बुक कब की थी? 31 जुलाई वही ओपनिंग पे। तो आपको भी मेल आई थी कि आपकी बुकिंग हो गई थी? नहीं मुझे कुछ नहीं आया, मुझे कॉल आई कि आपकी गाड़ी आ गई है। नहीं जो बुकिंग कंफर्मेशन मिली थी, बुकिंग कंफर्मेशन आ गई थी। कैसे? इमीडिएट? हाँ उनके उसमें दिखा था, पोर्टल पे दिखा मैंने। अच्छा, आपकी डीलर को पैसे दिए थे, डीलर ने मेरे ओके 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 भाई। देहरादून में बड़ा अच्छा काम हो गया। तो 31 जुलाई को बुक की और 10 जनवरी को गाड़ी आ गई। डेट यही थी आपके सिस्टम पे, यही शो कर रही थी सितंबर 2023। अच्छा, आपको गाड़ी पहले मिल गई? मैं शॉक था, मतलब आप लगा लीजिए सितंबर। हम तो ढूंढ रहे थे आप जैसे भाइयों को कि भाई ये गाड़ी 10 जनवरी को मिली और मिलनी थी सितंबर 23 में। डेट यही आ रही थी। और कौन सा मॉडल सर ये? Z4 ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक कॉस्ट कितनी पड़ती है सर UP में? ओह सॉरी उत्तराखंड है आप तो। मुझे पड़ी थी 19,20,000 रुपये की। एक्सटेंडेड वारंटी ली थी? यार ये तो सस्ती पड़ गई, हमें महंगी पड़ी है। हमें 19,20,000, ये तो महंगी है। 15 या 20 के बीच में ये तो महंगी पड़ी भाई आपको सर। हमें पड़ी थी 18,40,000 रुपये की। 18,40? भैया हरियाणा में फिर टैक्स वगैरह कम होंगे। 18,40,000 रुपये दिए मैंने तो भैया अपनी गाड़ी के। तो बड़ी एक्सटेंडेड वारंटी मैंने भी ली है। चलो भाई ध्यान रखना, पता नहीं भाई ने कहाँ से टैक्स दिए। तो आज यहाँ पे क्या कराने आए हो आप? मुझे यहाँ पे क्या खोल रहा है भाई ये? DRL और फॉग लैंप। ये DRL अच्छा लगवा रहे हो? ओके, आप ये लेंगे फॉग लैंप लगवा रहे हो उसमें। वेरी गुड वेरी गुड। अरे सर आपने तो टायर भी डाली है? हाँ मैंने टायर भी अलॉय, इसमें 18 इंच के अलॉय डाले। क्या बात कर दी, कब डाले? ये मैंने लास्ट मंथ डाले थे, अभी फरवरी में। भैया जो भी बंदा Z4 खरीदता है ना, पहले भैया वो टायरों पे मॉडिफिकेशन कराता है। कुछ नहीं भैया, बिना अलॉय के तो गाड़ी में मजा नहीं है। गाड़ी के पैर ठीक कर दो भाई पहले। ये कितने की कॉस्ट पड़ी? 80 है तो ऑल टेरेन है। ऑल टेरेन टायर है, 18 इंच, मेरा 17 इंच का अलॉय था, व्हील था, ये 18 इंच में डाला है, और ये मुझे पड़ा 60,000 का एक्सचेंज के साथ। अच्छा, आपने अपना दे दिया तामझाम पूरा, उन्होंने अपना ये अलॉय भी, अलॉय भी उनके, अलॉय भी उनके टायर। अच्छा, हटना भाई हटिया, ठीक है ठीक है भाई। अलॉय तो अलॉय भी है और टायर भाई ने नए लगा दिए होंगे, अलॉय भाई पे कहीं से आ गए होंगे। 60,000 रुपये दिए आपने? अरे बहुत बढ़िया भैया, हम अब पंजाब में मारे मारे घूम रहे हैं यार। आपने ऑल टेरेन लगवा दिया? ऑल टेरेन लगाया। तो और सर क्या कराया गाड़ी में आपने? और मैंने इसमें बस ये ओके रेन वाइजर लगवाए थे। ये कितने लगवाए होंगे? 1500 बिल्कुल ठीक है, यही कॉस्ट पड़ती है भैया। और मैं दिखा देता हूँ भाई। अच्छा, आप मैंने व्हील का ये कवर ओके, आपने लेदर रैप करा दिया भैया, बहुत जरूरी है। वैसे इसका वैसे भी अच्छा था, अब और अच्छा हो गया। ये कितने स्लिप कर रहा था? हाँ हाँ, कितनी कॉस्ट पड़ी है ये?
1500 से 2000 में हो जाता है। आपने ये मैट भी लगवा लिया इसके अंदर? मैट भी मैंने बाहर से लगवाया। हाँ, लगवाने पड़ते हैं। इसकी सर कितनी कॉस्ट दी आपने? ये मैंने 42 ठीक है, 4-5 हज़ार रुपये में आता। और आपने मोटा मोटा कुछ अभी कराया ही नहीं है? सर आपने काम करा रखा है, कैमरा लगवा लिया गाड़ी में? ये सर कैमरा कोई लगा, आपने कैसे लगा लिया? कैमरा लगाया डमी का। अच्छा डमी कैमरा है वो, बेवकूफ बना दिया पता उसने। हो सकता उसने वायर लाके छोड़ दियो। वायर यहाँ तक है? हो सकता वायर लाके छोड़ दियो उसने। वायर लाके छोड़ी, कनेक्टेड उसने कहा कि महिंद्रा वाले कर देंगे। आप वहाँ से करवा लेना, मैं ठीक है। मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा इसमें तो है ही नहीं, अपडेटेड नहीं है ये कैमरे के लिए जो सिस्टम है। तो अभी मैं वहाँ जाना है, करोल बाग ही जाना है उसके बंदे के पास। उसने कहा मैं करवा के दूंगा। ठीक है, आज मैं शायद इसीलिए आया हूँ, मेरे तो कैमरे के लिए आया हूँ, तो हो सकता है ये वीडियो बाद में आए। क्या इसको खोलना पड़ता है, तब जाके ये हमारे इसमें फॉग लैंप लगेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। भाई पता नहीं क्या लगवा रहे हैं गाड़ी में, स्पॉइलर भैया इस गाड़ी में आता नहीं है तो स्पॉइलर ऐसा लगता है। भाई देख लो क्या करो गाड़ी में, इसमें क्या क्या कराना गाड़ी में आपने? बस मुझे केवल ये काम करना, सिर्फ आपने लगवाने फॉग लैंप। वेरी गुड वेरी गुड। पियानो वेनर करा लो? नहीं, हमारे पास अगर कोई ग्राहक एक सामान भी लेने आता तो मना नहीं। नहीं नहीं, बोलिए ये भैया मैं इसको फॉग लाइट लगा के नहीं दूंगा। ये लगाओ, सेटिस्फाई करो, फिर दोबारा आ जाएगा यार जरूरत है तो। और खुला रेट है इसका 15,000 में, ये फॉग लाइट डीआरएल के साथ है। अगर आप 15 कॉम्बिनेशन ऑन करते हो तो उसका 3,000 रुपये चार्ज लगता है जो। अच्छा वो वाला? हाँ, क्या, क्या, क्या? आपके गाड़ी में मैंने फ्री करके दिया था। वो फ्री था आपकी गाड़ी, क्योंकि मेरे से आपने 15,000 रुपए लिए थे, बस वो आपके लिए फ्री था। क्या चीज़, क्या चीज़, क्या इन्होंने क्या किया था मैं बताता हूँ। ये लाइट ऑन करेंगे जी, जब आप गाड़ी ऑन करोगे तो आपका फॉग लैंप भी जल जाएगा। अच्छा, मेरी गाड़ी में ऐसा नहीं है। ये कॉम्बिनेशन के लिए पूरी वायरिंग की डल था, जो कि उसके लिए 3,000 रुपए। एक वायर जो है यहाँ से लेके यूं जाके आपके जो ना, मैं बताता हूँ आपको, आज दिखाता हूँ आपके। देखो यहाँ पे एक बटन है वाला, दिस वन। हाँ जी, ये फॉग लैंप के लिए होता है। पर इन्होंने क्या किया, कंपनी उन्होंने वायर नहीं रखी यहाँ पे, तो ये कहेंगे वहाँ से वायर लेते 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 थे, वायर यहाँ पे लेके आएंगे। वायरिंग नहीं होता, एक रिले नहीं होता, क्योंकि इसको सपोर्ट करने के लिए रिले से चलाना पड़ता है। एक रिले के लिए पूरी एक किट बनता है, जो इसमें डाइवोड वगैरह डला होता है कि करंट अंदर से बाहर, बाहर से अंदर ना आए, सिर्फ अंदर से बाहर जाए, इस तरीके से सिस्टम बना हुआ। नॉर्मल क्या कराते हैं, जैसे आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी तो लाइट जल जाएगी आपके डी आर एस, तो साथ में जब भी आप हेड लाइट जलाओगे भी जलेगी, जब आप हेड लाइट जलाओगे फॉग लाइट भी जल जाएगा। अगर आपको सिर्फ डी आर एस जलाना तो फॉग लाइट ऑफ रख सकते हो यहाँ से। अगर वायर यहाँ पे होगी तो, अगर हम बना के देंगे, और नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? नहीं, मैंने गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट की है, हेडलाइट जलाए, हेडलाइट। अच्छा हेडलाइट मतलब नहीं जला रहा मैं? हाँ, तो स्टार्ट किया तो डीआरएस जलेगा, सिर्फ डीआरएस जलेगा। हाँ, और जब आप हेडलाइट जलाओगे तो फॉग लैंप भी जलेगा। ओके ओके भैया, ये सॉरी मैं गलत बोलता था, डीआरएस जलेंगे, फॉग लैंप नहीं जलेगा। तो जब आप हेडलैम्प यहाँ से ऑन करोगे, हाई बीम और लो बीम शायद ऐसे, तो उसका साथ ही जलता है, साथ ही जलता है। ओके ओके ओके। अच्छा अगर मतलब मुझे वो भी करना है तो फिर उसका वो वायर बना के लाते हैं। मेरा इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री 15 में किया था, तो मैंने 15,000 पब्लिक को बोला हुआ है। बाकी आपकी सर अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी आपकी बार्गेनिंग स्किल है, आप कितना बार्गेनिंग कर लेते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं तो सर जो होगा ना, अभी डलेगा मेरी गाड़ी में कैमरा, तो जो मुझसे पैसे लेगा मैं वो शेयर कर लूँगा, फिर आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, हम ना यूट्यूबर भी हैं, थोड़ी शर्म करते हैं हमारी कि भाई वीडियो डल रही है मेरी अवेयरनेस वेल्थ, तो थोड़े बहुत डिस्काउंट हमें कर देते हैं ये कि भाई इनकी वीडियो डल रही है। अब हर आदमी यूट्यूबर है नहीं। ये भाई देखो इसके अंदर ये वायर है, ये वायर लगती है कपलर टू कपलर। हाँ, कपलर टू कपलर कहते हैं, देख लो भाई ये कपलर टू कपलर है, बाकी आप कुछ समझदार हो। और ये भैया हमारे डी आर एस आ गए, सेठ जी देख लो पादा जी, ये है डी आर एस, दैट इज़ डिफरेंट। वो अपना लग गया बेजल, ये लग गया आपके लाइट, ये आपकी आ गई वायरिंग। ये सारा तामझाम 15,000 रुपये में लगा के देते हैं हमारे चामुंडा भाई। नहीं, उसके साथ 3,000 लगा। ये वायर आप करवा रहे हो? हाँ, प्लग एंड प्ले के लिए आप लगवा रहे हो? जब प्लग एंड प्ले हो जाएगा ना, तो काटना पड़ जाएगा प्लग एंड प्ले अपना। नहीं नहीं मतलब, लेकिन इसमें मतलब एक वो, अगर मैं इसको ना लगाऊं तो ये हमेशा ऑन रहेंगे, आप ये कह रहे हो फॉग लाइट भी? हेड लाइट के साथ हमेशा ऑन रहेगा। और लेकिन वो हेड लाइट पे पूरी पूरी नहीं नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन है। अब जैसे ये लग रहे हैं तो इससे क्या हो गया, रिले है ये लगवानी है अभी? हाँ, तो रिले से क्या होता है, पूरी वेट रिले पे चला जाता है। लेकिन वो जो तार है वो अलग है? नहीं, इसी के साथ जाता है ये, वही है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये 3,000 रुपये आप इसके कह रहे हैं? हाँ। अच्छा ठीक है ठीक है। और अगर अगर हम इसमें अभी मान लो इसको वहाँ लेके नहीं जा रहे,
तो तब इसकी जरूरत नहीं है, तब भी जरूरत है इसकी? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, कपलर काट के। भैया भैया देख लो, ये भाई ने कपलर बना रखे हैं पूरे, ये तार इन्होंने एक्स्ट्रा बनवाई है, 3000 रुपये चार्ज करते हैं, और लेकिन लेबर भी है इसके अंदर, ये इसको वहाँ तक लेके जाते हैं। तो फिर आपका प्रॉपर फोक, कम से कम इसका 3 घंटा लगता है। फिर प्रॉपर फोक लैम्प जो स्विच है उससे आपका फोक लैम्प जलेगा, जो आप मेरी गाड़ी में ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, अदरवाइज यहाँ पे लगाएंगे तो ये आपको 15,000 रुपये भैया लगा के दे देंगे। आप देख लीजिए इसमें कोई क्लिपिंग है सर, ये क्लिप कर रहे हैं, देखिए आप, कोई ड्रिल नहीं हो रही, कुछ कर भैया लगा दिए, और अभी आपके ये DRLs जलने शुरू हो जाएंगे। अभी बाकी उपाध्याय जी पर डिपेंड है कि वो क्या करना चाहते हैं, इतनी फ्रीडम देते हैं ऊपर, जो कराना करा दो, हम तो करके दे देंगे, एक आइटम भी लगाते हैं खुशी खुशी हमारे चामुंडा जी। नाम बड़ा ये डिसाइड किया है कि ये जो वायर है ना, इस वायर को लेके जाएंगे वहाँ पे, और फॉग लैंप वहीं से जलाएंगे भैया। हाँ, तो देख लीजिए कर रहे हैं टाइपिल। हमारी गाड़ी में ये DRLs लग चुके हैं, ये सेंसर की, ये भाई सेंसर की जगह ध्यान रखना आप, लेकिन जो सेंसर है Z4 के वो अलग होते हैं, Z8 के सेंसर इसमें लगते नहीं हैं, इसलिए मेरी गाड़ी में नहीं लगे, इसमें भी अभी नहीं लगेंगे, ये लगे हुए इसके अंदर, LED लगवा ली है भाई जी ने। इस गाड़ी में कैमरा लग गया है भाई, तो अब इस गाड़ी में भी कैमरे लगने का भाई बिल्कुल सही टाइम पे आया है, और पहले उसमें लगा है भाई ऑटोमेटिक में, अब इसका लगे, ये कहता देखो टाइम बंदा किस टाइम पे निकलेंगे परफेक्ट, अगर मैं आज ये नहीं होता तो शायद कल लगता परसों लगता, लेकिन आज ही लग जाएगा। अभी इसको फॉग लैंप लगाने के बाद कैमरे काम चालू होगा। चामुंडा भाई टेक्निकली कुछ समझा रहे हैं उनको कि भी कैसे करना है, क्योंकि सुपरविजन इनका चलता है। हमारे फॉग लैंप चामुंडा भाई ने इस गाड़ी में लगा दिए हैं और ये चालू भी हो गए हैं। फिलहाल वो वायरिंग हो रही है वहाँ पे, वो भी दिखाऊंगा कि ये फॉग लैंप किस बटन से जल रहे हैं, वो भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन लग गए हैं। अब गाड़ी की लुक थोड़ी सी बेटर लगती है देखने में, जब गाड़ी स्टार्ट करते हो इग्निशन ऑन होते ही आपके DRLs ऑन हो जाते हैं। ये भैया चामुंडा जी ने इस गाड़ी में भी कर दिया है तहलका, आप देखते हैं इस गाड़ी की क्वालिटी का, आओ भाई दिखाओ 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 दिखाओ। अरे वाह भाई, ये भी अच्छी क्वालिटी का, लेकिन इसका जो एंगल है ना वो उतना नहीं है, एंगल कम है, पर क्लैरिटी थोड़ी अच्छी है। नहीं, क्लैरिटी इसलिए अच्छी, बाहर खड़ी है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, वो आप लेकिन यहाँ शेड पड़ा होगा, वो आई थिंक एंगल ज्यादा पड़ा है उसमें, वो वाइड एंगल है, वो वाइड एंगल है, 170 है, 130 है। अच्छा 170 एंगल है उसका। हाँ। 180 नहीं है, नहीं 10 खा गया कौन है यार। लेकिन ये 130 एंगल है भैया, लेकिन फाइनली न्यूज ये है कि इसके अंदर भी भाई हमारा कैमरा लग गया है, और ये हमारे भाई साहब हैं जिन्होंने ये इतनी मेहनत की है, और ये हमारी मेहनत की। अब उस दिन भी आए थे भाई, उस दिन मैंने इनको दिखाया नहीं था, लेकिन आज मैं दिखा रहा हूँ इन्हीं की बदौलत भाई ये हमारी गाड़ी में ये कैमरा लग पाया। और ये भाई साहब हमारे आए थे उपाध्याय जी उत्तराखंड से, और रोशन ये लगाने वाला सारा कर्मकांड यही करता है, सारी खोलने बोलने का काम भैया, तो ये लग गया है। पर क्वालिटी का बताना कि भैया ये वाला लगवाना है आपने या 180 वाला लगवाना है, सारा खर्चा मैं बता दूंगा। तो फ्रेंड मैं खर्चा बता ही देता हूँ आपको यार, इसमें जो खर्चा आता है भैया, ये खर्चा आता है 5,000 रुपये का, 5,000 रुपीज़ में कोडिंग भी होगी, कैमरा भी हो गया, वायरिंग भी होगी, तारा ताम जाम करके 5,000 रुपये में ये कैमरा भाई जी इंस्टॉल हो जाता है। बाकी आप आके अपनी भैया टेक्निकल से कोई बार्गेनिंग करनी आप कीजिए, पर 5,000 रुपये कॉस्ट इसमें आती है, 4 से 5,000 रुपये मान के चलना। अभी क्या नया है तो 5,000 दे सकते हैं, 3 महीने बाद 2 महीने होता रिड्यूस हो जाए, पर फिलहाल कंडीशन इसकी ऐसी है। और कंपनी 10,000 भी लेती है इस चीज़ के, और भाई से बता रहे हैं कंपनी 10,000 भी लेती है इस चीज़ के लगवाने की, अगर कंपनी से लगाते हो तो जी। और चामुंडा भी आई नहीं, मतलब अगर लेगी 10,000 से कम नहीं लेगी, नहीं लेगा। और चामुंडा भाई 4-5,000 में ये लगा के दे देते हैं, वो अभी 50% डिस्काउंट पे। हाँ अभी नए, अभी नए नए हैं, और 2-4 महीने बाद ये होता है 4 में लगा दे भाई, देखते हैं क्वांटिटी पे खेलेंगे ना फिर, ये क्वांटिटी खेलेंगे, लेकिन अच्छी बात है भैया, ये फॉग लैंप लग गया इस गाड़ी के अंदर। ये जैसे गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हो आप, मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने गाड़ी कभी ये गाड़ी मैंने ऑन की है, अभी आप देखना फॉग लैंप अभी भी बंद है, जैसे ही बटन ऑन करेगा ये फॉग लैंप, देखिए फॉग लैंप, ये जो फॉग लैंप है ये जो जल रही है यहाँ पे देखिएगा, ये DRLs है, ये फॉग लैंप है, ये जलता है जलता है जलता है जलता है, यहाँ पे एक छोटा सा बटन है, ये रहा ये वाला बटन है भाई, ये है ये बंद होगी फॉग लैंप, और ये मेरा फॉग लैंप जल रहा है। इससे करने के लिए ये भैया थोड़े चार्ज ज़्यादा लगते हैं, वायरिंग लानी पड़ती है, ये हमारा हेडलैम्प का भैया, ये हेडलैम्प लो बीम हाई बीम है, लेकिन ये इससे कराना कनेक्ट, तो इसको कहते हैं हम हमारा फॉग लैंप।
प्रॉपर कनेक्ट हो गया है। तो फ्रेंड ये लग गया है इसमें, कॉस्ट भी अभी क्लियर कर देते हैं। अभी सर जी लग गई सर, कैमरे पे आना था एक बार, कैसा लगा काम वैसे ये ऑटो वालों का? बहुत ही सेटिस्फैक्टरी, ठीक है, बहुत बढ़िया है ना, कोई दिक्कत मज़ा आया और बड़े अच्छे से भाई ने चाय भी पिलाई हमें एक अच्छी वाली नहीं चाय तो है, अरेंजमेंट भी अच्छा, बैठने का भी अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो भाई ये हमारे स्पॉन्सर है, वो पेड आइटम नहीं है, आप ये मत सोचना कि भाई साहब कुछ पैसे मिले हमें पैसे मिले, ये हमने कराया, पैसे तो हमने हर जगह देने, काम अच्छा मिला आपको, हम तो पहली बार मिले, पहली बार मिले, हम फर्स्ट टाइम मिले हैं, ऐसी ऐसी भैया स्कॉर्पियो एन वाले और सफारी वाले हमें न जाने, ऐसा हो नहीं पा रहा भैया। चलो आपका काम कैमरे में लग गया भाई गाड़ी में, मेन सबसे बड़ा अचीवमेंट कौशिक जी की कार में, कैमरा खुश है, ठीक है आपका? बहुत ही बढ़िया, बढ़िया ना, बहुत बढ़िया। और चलो सर थोड़ा जाओ, मैं इनसे पैसे पूछूँ, आज का अचीवमेंट मैंने पैसे पूछने हैं, कोई बात नहीं भैया, मैंने उनको भेज दिया है। और सर एक बात बताओ, ये फॉग लैंप के अरे भैया बंद कर दियो, ये पैसे कितने दिए आपने उनको? पैसे पैसे की जो बात हुई है वो जो डी आर एल और इनका 15,000 रुपये है और 3,000 रुपये वायरिंग का, वायरिंग का। और कैमरे के? कैमरे का आई थिंक अराउंड 4 से 5 के बीच में बोले, और 6 नहीं हुआ। अच्छा, कैमरे के साथ फिटिंग, हाँ, पर कैमरा तो आपको ऑलरेडी लगा ही हुआ इसके अंदर, तो पैसे कम कर दो, 2,500 जो भी होगा, 1500, ठीक है ठीक है। पर आप काम से खुश हैं? मैं 15 और 3 18, हाँ 15 3 18 ये हो गए, और 2.5 के करीब आप लोग आ लीजिए विदाउट कैमरा। हाँ मेरा काम इन्होंने ये सारा 15 में किया था, क्योंकि मेरी वीडियो बनती है, अब मुझे पता नहीं था तो मैंने 15,000 ही मेंशन किया था कि भाई वायरिंग का उन्होंने 3,000 रुपये, लेबर कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड है, इंक्लूड है ना, तो मोटा मोटा 18,000 हो गया इसमें। ये ब्रैकेट का भी पैसा हो, क्या बोलते हो उसको आप? हाँ ब्रैकेट का ही पैसा है। तो ठीक है सर, हमारे को बड़ी गजब गाड़ी ले ली आपने, और जल्दी मिलेंगे, बिल्कुल मिलते रहेंगे जी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कौशिक ब्लॉग, जय हिंद जय भारत।